गुड मॉर्निंग गाइस, वेलकम बैक टू माय न्यू ब्लॉग। और ये देखो भैया, सुबह सुबह आर्ट का काम चल रहा है, तो ये बना रही है चाची जी। ये पता नहीं क्या बना रहे हैं, काफ़ी दिन से लगी हुई है चाची जी। ये पूरा ये लकड़ी है, लकड़ी मतलब वो क्या बोलते हैं, गेहूं की लकड़ी है, सीख है, और उसके ऊपर पता नहीं क्या डिज़ाइन कर रही है। और ये पता नहीं सुबह से क्या उल्टे सीधे काम में लगा हुआ है, पता नहीं क्या क्या बनाता रहता है। गुड मॉर्निंग भी नहीं करी इसने, और उठ गया और उठने के बाद में देख लो ऐसे ऐसे नलायकों की तरह बैठा हुआ है। और ये रही दिया है, पता नहीं ये इसको मॉडल ही बन के रहना है। पढ़ ले हाँ, छुट्टियों में कौन पढ़ता है, वैसे कौन सा पढ़ती है तू नलायक। रेर दिया और ऋषभ, और क्या हाल चाल तेरे? इधर देख के बोल दे, इधर देख के। ओ, मेरे कपड़े गंदे कर दिए। अच्छा ना, पूरे कपड़े गंदे कर दिए इसने मेरे। इसे क्या फैला रहा है, कपड़े साफ करो ना कोई। यार ये गंदी बात है यार, इसने इंक फेंक दी मेरे ऊपर, इंक फेंक दी इसने मेरे ऊपर। इंक फेंक दी मेरे, ये कपड़े ये क्या किया तूने? ये ऊपर से स्टाइल दिखा रहा है। और अब की बार है ना, सुन इधर देख, इधर तेरे को रगड़ रगड़ के है ना, तेरे को रगड़ूंगा कपड़े पे, अगर ये नहीं निकली तो। तुझे पहले बता रहा हूँ, नहीं निकलेगी तो मैं तेरे को लाल कर दूंगा। साफ कर लो उससे। अब ये दिया लाई अब देखो, ओ यार ये तो फैल रहा है। साफ कर लेते उससे। अरे यार इन्होंने कर दिया नाच दिया, ऋषभ ने शर्ट खराब कर दिया यार, टी शर्ट खराब कर दी। पागल मम्मी देखो, पागल मम्मी, मैं मुक्का मार दूंगा। ये जो खराब किया इसका क्या? नहीं नहीं नहीं, मैं मारूंगा। ऋषभ गंदा पहले हो गया, मैं अगर गंदी हुई ना आपकी बात में तेरे को पूरा कलर में ले ला दूंगा। ला मैं नहीं ला दूंगा, ला ये आए ना मजे। पागल कपड़े गंदे कर रहा है कपड़े में, कुछ भी नहीं किया जबरदस्ती। घर से मैं निकल चुका हूँ, अभी जाना है मुझे एक मीटिंग में। एक तो ये काम है और एक छोटी सी मीटिंग है, तो इस मीटिंग को और इस काम को निपटाना है। बट उससे पहले मैं आया था हनी के पास, थोड़ा काम था मेरे को। क्या काम था मैं बता देता हूँ, कि मेरे को शाम को कहीं जाना है। बट वहाँ मैं देख रहा हूँ कि हनी भी साथ में चले, बट हनी बोल रहा है, हनी का आज ऑफिस है, क्योंकि यार ऑफिस की बात है, सोमवार है, संडे नहीं है। संडे को तो लोगों के मतलब कहते थे, संडे को भी छुट्टी होती होती है, बट सोमवार को बहुत कम होती है, मतलब वही चीज़ है। तो भैया बाहर गाड़ी तप रही है, और ये देखा ऋषभ ने कर दिया अभी थोड़ी देर पहले, इंक फेंक दी ऊपर। तो भाई अभी तक नहाया नहीं, अब उठ के काम वाम कर रहा था नाले। ये कौन सा टाइम बताओ जी, इतना लेट तक नहाता है आप बोलते नहीं हो कुछ, इतना लेट तक नहाता है बोलते नहीं अभी है? अरे बोलते नहीं, हाँ बोलते नहीं अभी, इसके डांटा करो, इसके डंडे लगा करो इसके। तो भाई मैं जा रहा हूँ, हनी हनी शाम को मिलते हैं फिर। हाँ मैं या शाम को तेरे को कॉल कर दूंगा, अगर एक बार मेरे को अगर वैसे हुआ ना जाना तो मैं कॉल कर दूंगा, नहीं जाना तो फिर देखते हैं। तो अभी तो निकलते हैं अपन भी, मीटिंग से फ्री होकर आते हैं, क्योंकि बाहर धूप बहुत तेज होने वाली है, उससे पहले चल के वापस आना जरूरी है, नहीं तो हालत ख़राब है भैया। मेरी जो फर्स्ट मीटिंग थी वो सक्सेसफुली क्लियर हो गई है, जो कि यहाँ पे थी इस हॉस्पिटल के अंदर। वो मीटिंग तो क्या थी, मतलब मेरे को कोई डॉक्यूमेंट सबमिट करवाने थे, जो कि मैंने करवा दिए हैं। बट सीरियसली बता रहा हूँ, बाहर इतनी तेज़ गर्मी है ना, जिसकी कोई हद नहीं, और भाई तप ही रही है भाई, सीरियसली तप रहा है बुरी तरीके से जयपुर। और अब निकलते हैं यहाँ से, अब मुझे जाना है दूसरी जगह मीटिंग के लिए, ये किसी के घर पे। तो ये मीटिंग क्लियर करते हैं, और उसके बाद में मेरे पुराने मतलब ऑफिस में जाना है, ऑफिस में भी एक दो काम है, स्टूडेंट से मिलना है, एक दो से उनसे मिलते हैं और फिर घर चलेंगे। बट यार सीरियसली बता रहा हूँ हालत ख़राब है, अभी तो गाड़ी पे बैठना है, बैठते जो हालत होती ना भाई, ओ भाई बहुत गर्म है, सीरियसली बहुत ज़्यादा गर्म है, इतनी गर्म है ना भाई, पीछे हालत ही ख़राब हो गई। तो अब यहाँ से निकलते दूसरी जगह चलते हैं। अब मेरे को जाना है इस बिल्डिंग के बैक साइड, वर्ल्ड ट्रेड पार्क के पीछे की साइड, तो वहाँ वर्ल्ड ट्रेड पार्क के पीछे ये वाली मीटिंग करनी है, और उन्हीं के जस्ट पीछे मेरा ऑफिस है, तो वहाँ पे वो स्टूडेंट से मिलना है, तो मिलते हैं और फिर चलते हैं घर के लिए।
शाम के 5:30 हो रहे हैं और इधर चल रहा है ब्लॉग एडिट और चाय आ चुकी है और मैं सो गया था थोड़ी देर के लिए क्योंकि मैं यार पता नहीं क्या सिर में पेन हो रहा था, मतलब धूप में है ना तो सिर में इतना ज़्यादा पेन हो रहा था कि मेरे को नींद आ गई, तो मैं सो गया। भाई साहब उठा तो दिमाग में आया कि यार आज तो ब्लॉग भी एडिट नहीं करा जो कि अभी अपलोड भी करना है, कल वैसे ही नहीं डला था ब्लॉग, तो वही चीज़ है। तो अभी भाई 13 मिनट तो यहाँ लगेंगे, उसके बाद में अपलोडिंग का जो टाइम लगता है वो अलग, और मुझे अभी कहीं जाना भी था शाम का, तो वैसे ही अभी आप लोग समझ सकते हो कि सो गया, सोने के बाद में अगर उठ गए तो भैया लेट तो वैसे ही हो गया, पता नहीं वो बंदा मिलेगा कि नहीं मिलेगा, तो एक बार उसको भी कॉल करते हैं। बढ़िया जगह चलना था, मतलब कुछ प्लान था आगे का, तो एक बार ऋषभ से बात करते हैं, अगर ऋषभ चलता है तो उसको लेके चलेंगे, अगर नहीं चलता तो फिर अपन तो जाएंगे मैं और अन्नी जाते हैं फिर। बट यार सीरियसली बता रहा हूँ, दोपहर में जो नींद आई ना मेरे को, एक नंबर नींद आई, मज़ा आ गया। तो भैया अभी एडिट होता है और इसको अपलोड करते हैं, फिर निकलते हैं अपन अपनी जगह के लिए जहाँ मुझे जाना था, तो वहाँ चल के आते हैं, थोड़ा सा काम निपटा के आते हैं, एक छोटा सा काम है वही निपटा के आना है। क्या हो गया ये देखो यहाँ इसके आईज बॉल रेड हो रही है, और ये पता है क्यों हो रही है कि ये फोन देखता है और आज भी से पूरे दिन ओ मैया मोरी, आजकल पता है नई नई चीज़ें सीख रहा है आजकल, मेरी मैया मोरी यार पता नहीं कहाँ नई नई चीज़ें सीख के आता है आजकल। बट हाँ चलो ठीक है, हमारे घर का इंटरेस्टिंग बॉय है। क्या चोर सिपाही? अरे तू राजा रानी चोर सिपाही खेल रहा है, ऐसे झूठ बोल रहा है, मुझे पता है तू झूठ बोल रहा है, राजा रानी चोर सिपाही खेल रहा है नहीं। तो तुझे पता आज क्या हुआ? आज है ना इधर गली में बारात आ रही थी, पतली वाली गली में, और है ना मैं ऐसे आ रहा था पैदल, हन्नी ने मेरी चप्पल पे पाँव रखा, मेरी चप्पल ही टूट गई थी, फिर पता है हन्नी के घर पे आके मैंने चप्पल जोड़ी है, पता है ऐसी बेइज्जती हो गई। उधर तो बारात आ रही थी, मेरी चप्पल का हाथ में लेके आया मैं, दूल्हा ऐसे देख रहा था मेरी तरफ, बोले घोड़ी पे चप्पल मारेगा, बोले बाकी तो मैंने 4 वो नहीं दिए जो अपनी 4 का वादा इसने कर रखा है, 1, 2, 3, 4 तो मेरी बारी, 1, 2, 3, 4 तो मेरी आज कितने दिन बाद में दिए सही से बता, कितने दिन बाद में? अगले मंडे को है ना मेरी नानी आने वाली है, अगले मंडे को इसके नानी और इसके मामा आ रहे हैं, है ना नानी मामा। हिमाचल नहीं जा रही ना तुम? कब जा रहे हो? झूठ बोल रहा है, झूठ है ये, जाए नहीं जाएगा, झूठ बोल रहा है। इसको तो मैं बांध के रख लूंगा क्योंकि इसकी छुट्टियां चल रही ना, इसको तो यहीं रखेंगे बांध के, और क्या कहते हैं इसको नहीं जाने देंगे। और मुझे लगता है ना सही बात बताऊँ ना, तो आज के ब्लॉग को यहीं एंड करते हैं, ज़्यादा ड्यूरेशन नहीं है, तो बग्गया भी नहीं आएगा क्योंकि अंदर गेम खेल रहे थे और मैं इसको उठा लाया। तो आज के ब्लॉग को यहीं एंड करते हैं, अब मिलेंगे कल तक के लिए बाय। वीडियो अच्छा लगा तो पता ही होगा क्या करना है, और प्लीज़ यार देखते रहो, मिलते हैं ऐसे अच्छे से वीडियो में, कल तक के लिए बाय बाय।